रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से मते में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलाबजतगान के हवाले से मुल्क भर में कैंप लगाए जा रहे हैं और उनकी मदद के लिए डोनेशन इकट्ठा की जा रही हैं। इसी तरह इस डोनेशन को और इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल्ला गुमन मलखावाला से मलखावाला एहसास वेलफेयर के साथ मिलकर उन्होंने एक कैंप लगाया और जिसमें माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा किया है। और उस डोनेशन के रिलेटेड आपको भी थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं कि उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया और किस तरह उन्होंने किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज हुसैन साहब, जो कि एहसास वेलफेयर के नायब सदर हैं। आइन से पूछते हैं कि इन्होंने क्या डोनेशन इकट्ठा किए और किस तरह किए हैं। या फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाफिज हुसैन साहब एहसास वेलफेयर मलखावाला का नायब सदर। मैं अहलियान मलखावाला का और अपने तमाम दोस्त अहबाब का जिन्होंने हमारे साथ बड़े ही मुखलसाना अंदाज में दिल खोल कर तावन किया है, अल्लाह ताला तमाम अहबाब के इस तावन को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 अशिया के ज़रिए तकरीबन 200 अफराद के लिए राशन तैयार किया है। ये आपके सामने बड़ा हुआ है, एक ख़ानदान का ये राशन है जिसके अंदर तकरीबन 14 अशिया हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला उन तमाम अहबाब के इस तावन को कबूल फरमाए। ट्रक की लोडिंग का काम स्टार्ट हो गया है, अब ये सारा सामान ट्रक में लोड करने लगे हैं। ये भी तोंसा शरीफ और उसके मसाफात में आज लेकर जाएंगे। आज ये ट्रक रवाना होगा तोंसा शरीफ और उसके मसाफात में। उसमें डीजी खान और उसके अलावा दूसरे जितने भी वहाँ के सैलाब ज़दा इलाके हैं उनके लिए ये सारा राशन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ट्रक के अंदर भाई यासफ और आदिल जी बस ये भाई सारे लिफ्टे जो पैक कर दिए गए, जिनके अंदर कंबल भी हैं, रजाइयाँ भी हैं, केस वगैरह सब एक पूरा पैकिंग का बना दिया गया है। माशाल्लाह यहाँ पे ये लोडिंग का काम स्टार्ट हो गया हुआ है, जिसमें ये लाइन बनाई जा रही है। और ये माशाल्लाह वो ट्रक है जिसमें सारा सामान लोड किया जा रहा है। इस ट्रक में सारा सामान लोड कर रहे हैं। ईसा के तलबात पुरजोश तरीके के साथ अपने सलाबजदगान भाइयों के लिए जो राशन जा रहा है, जो सामान जा रहा है, पैकेज वगैरह रेडी किया गया है, उसको लोड करने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनके इन जज्बों को सलामत रखे, उनकी काविश को कबूल फरमाए। राशन सारा लोड कर लिया गया, पानी को लोड किया जा रहा है और ये लड़के लाइन बना कर सारा सामान लोड कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये हमारे अब्दुल्ला भाई ये बिस्तरे वगैरह रख लिए हैं। अब ये मेडिसिन के कार्टन है, इन्हें लोड किया जा रहा है। और ये शहजादा अब ये आटा सारा उठा रहे हैं, ये जो इन्होंने आटा बनाया हुआ था उसके थैले हैं, इनको अब लोड करने लगे हैं ट्रक में। छोटे तो इन लड़कों ने बहुत साथ दिया है, ये मेहनत कर रहे हैं लोडिंग में, बहुत हेल्प की है इन बच्चों ने।
अल्लाह ताला इनके जज्बे सलामत रखे और इन इसका अजर अदा करे, आमीन। चेन मैकेनिज्म का यूज करते हुए इसी तरह ये सब जा रहे हैं और ट्रक में लोड हो रहा है जी। तो ट्रक हमारा रवाना हो चुका है सैलाब जदगान की मदद के लिए। इंशाल्लाह वो सुबह तौंसा शरीफ और उसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाका जाते हैं उनमें वो कैंप लगाएंगे और सैलाब जदगान की मदद करेंगे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने सैलाब जदगान भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप उनके लिए कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर रब्ता करके कुछ डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप माली लिहाज से कोई डोनेशन करना चाहते हैं, अगर यहाँ आप कुछ सामान वगैरह डोनेट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप इन पर डोनेशन कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मेंशन कर दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। दुआओं में याद रखिएगा तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सैलाब जदगान को, कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।